नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बड़ोला और मैं आज आपके लेके आया हूं बाल चरित्र कलेक्टर एडिशन। सुपर कमांड ध्रुव इस बार अपराधियों के रास्ते में आ गया है जो खुद को कहते हैं हंटर्स। ये सिंगल कलेक्टर एडिशन है, इंडिविजुअली सिंगल कलेक्टर एडिशन है और हंटर से टकराने वाले को अंजाम होता है मौत। लेकिन मौत से ध्रुव का सामना तो रोज ही होता है, मगर इस बार शिकारी बहुत खतरनाक है और जो चीज़ हंटर को चाहिए वो देनी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए ध्रुव की जान ही लेने की ना पड़े। ये सब आप देखेंगे हंटर कॉमिक्स में, जो इसे मैंने अपने अंदाज में बताया आपको। बहुत ही अच्छे चित्र हैं, 2015 में आई थी ये। ये इसका बैक कवर है, फ्लैशबैक हंटर से जीतने के लिए ध्रुव को अपने फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और अपनी पूरी ताकत संजोनी पड़ेगी, क्योंकि जिनको हराने की वो सोच रहा है उससे बचने का एक ही रास्ता है, जान देना, क्योंकि हार का मतलब हंटर जानते ही नहीं। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगी फ्लैशबैक में। ये इसका डबल फोल्डेड कवर है, चित्र बहुत अच्छे हैं इसमें। नो मैंस लैंड वही हुआ जिसका डर था, ध्रुव जिंदगी और मौत के बीच एक खाई में फंस गया है जिसमें जिसे दुनिया कहती है नो मैंस लैंड। स्टार्टिंग में 120 रुपये में आया था कलेक्टर एडिशन। ये इसका डबल फोल्डेड कवर है, फोटोग्राफ इसका बुक मार्क। फिनिक्स कलेक्टर एडिशन, इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है मेरे पास। क्या ध्रुव नो मैन्स लैंड से वापस आ पाएगा या मौत उसे गले लगा लेगी? अपनी मौत को मात देता, अपनी राख से पुनः जीवित हो उठेगा फिनिक्स बनकर सुपर कमांडो ध्रुव? ये सब जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको ये फिनिक्स कॉमिक्स, इस सीरीज का चौथा पार्ट। ये भी बहुत बढ़िया कॉमिक्स है। डेड एंड डेड एंड कौन है हंटर्स, क्या है इनका मकसद जिनसे टकराकर हो जाता है सबका डेड एंड? सुपर कमांडो ध्रुव हंटर से सुपर कमांडो ध्रुव हंटर से टकरा तो गया, लेकिन टकराते ही उसका सामना हो गया उसकी मौत से। या ध्रुव इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा या हो जाएगा उसका डेड एंड, यही सब जानने के लिए आप जानने को मिलेगा आपको इस कॉमिक्स में।
ये इसका बुक मार्क, और ये इसका लास्ट और अंतिम पार्ट, एंड गेम। एंड गेम क्या ध्रुव ख़त्म कर पाएगा ये गेम, या हो जाएगा उसका एंड गेम। ये 150 पेजों की कहानी है, लगभग 150 पेजों की कहानी लेटर एडिशन में। और समापन अंक है इसका, ध्रुव कैसे इसका खात्मा करेगा हंटर्स का, यही देखने के लिए आपको इसमें मिलेगा। और क्या है वो फॉर्मूला जिसके पीछे सब पड़े हैं, ये इसका बुक मार्क, दोनों तरफ से सुपर कमांडो ध्रुव। इसके लिए पेज आए थे, ग्रीन पेज है, ये आपको दिखाता हूँ। नवाब भाई की फोटो, ये मेरी फोटो, ये बादल स्पाइडी भाई की फोटो, लगभग 650 पेजों की ये कहानी आपको ले जाएगी एक अलग ही दुनिया में, जिसे आप बिना रुके पढ़ना पसंद करेंगे। और मेरे ख्याल से सुपर कमांडो ध्रुव के हर फैंस के पास होनी चाहिए, जबकि या आरसी के हर एक फ़ैन के पास होनी चाहिए। मेरे पास तो इसके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन पड़े हुए हैं, तो मैं पिछली बार इसका एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन नहीं ले पाया था किसी कारणवश, तो इस बार दोबारा आया RCSG में। तो अगर जो आप ध्रुव के फ़ैन हैं तो लीजिए उसे, और आप नहीं भी फैन कलेक्शन करते हैं तो भी ले सकते हैं, और कलेक्शन नहीं भी करते हैं और पढ़ना चाहते हैं एक अच्छी सीरीज तो आप इसे ले सकते हैं ज़रूर। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें ध्रुव की पहली इंडिविजुअल सीरीज है जो इतनी लंबी है, जो जैसे खूनी खानदान से ये सुपर कमांडो ध्रुव की पहली ऐसी सीरीज है जो इतनी लंबी है, इंडिविजुअल है, क्योंकि इससे पहले भी ध्रुव की जो सीरीज आई है एक खूनी खानदान, वो 3 पार्ट्स की सीरीज थी, और ये सिटी विदाउट ए हीरो, उसमें आप देखेंगे तो उसमें और भी हीरो थे। तो अनुपम जी की ये वैसे सबसे लंबी और ध्रुव की इंडिविजुअल पहली सीरीज है, तो इसे लेनी ज़रूर चाहिए। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हैं या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको फोर्स नहीं करता। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।